बापूजी बताते हैं थल बस्ती का एक प्रयोग तीसरा दीक्षा लेने वालों के लिए। उसमें क्या करना होता है, थल बस्ती का प्रयोग इसलिए होता है कि शरीर है अपना, शरीर में वात संबंधी बीमारियां होती है, वात रोग बढ़ जाता है, वायु संबंधी बीमारियां, दमे की, किडनी की भी तकलीफ उसमें बढ़ सकती है और कई तकलीफें हो सकती है, हार्ट आदि की, श्वास की, वात संबंधी, फिर पित्त संबंधी, छाती में जलन होना, सिर दर्द होना, शरीर में चेहरे पर फोड़े फुंसियां अधिक होना, ये पित्त संबंधी बीमारियां होती हैं कईयों को। सिर में भी कईयों को बिचारों को फुंसियां बहुत होती रहती है और गर्मी पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो सिर के बाल भी बहुत जल्दी जल्दी झड़ते रहते हैं। कईयों को आपने देखा होगा बिचारों को जवानी में ही एकदम टाल हो जाती है एकदम। तो इस शरीर में गर्मी ज्यादा है, इस कारण शरीर की गर्मी ऊपर चढ़ती है और वो बालों को जड़ों से उखाड़ देती है, कमजोर कर देती है। तो पित्त संबंधी, कफ संबंधी, खांसी, टीबी आदि ये रोग कईयों को होते हैं। तो थल बस्ती का प्रयोग करने से वात पित्त और कफ जन्य रोग दूर होते हैं, प्राण शक्ति मजबूत होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। वो कैसे करना होता है, बहुत सरल है। जमीन पर चटाई या कंबल बिछा दिया घर पे और फिर उस पर लेट गए सीधे सुबह खाली पेट, लेट गए, श्वास गहरा लेके छोड़ दिया बाहर, दोनों हाथ घुटनों की तरफ जमीन पे रख दिए, श्वास बाहर छोड़ दिया और रोक दिया। श्वास को बाहर रोककर ही 25-30 बार मूल बंद और प्रसरण किया, माने शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण 25-30 बार, फिर श्वास ले लिया, दो चार बार श्वास सामान्य ढंग से चलता रहे, फिर दोबारा गहरा श्वास लेके रोका, बाहर छोड़ दिया, श्वास को बाहर रोककर ये प्रयोग फिर 25-30 बार किया। ऐसा चार बार करें तो 100 बार हो जाएगा। और अगर किसी का पेट खराब रहता है, पाचन ठीक काम नहीं करता, तो ये प्रयोग करते समय लेटे हुए श्वास बाहर रोक दिया और पेट को अंदर बाहर जल्दी जल्दी किया 25-30 बार, एक बार श्वास लेके छोड़ दिया, 25-30 बार पेट अंदर बाहर, अंदर ज्यादा खींचा बाहर कम, और मन में रम 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 अग्नि तत्व का बीज मंत्र है, तो वो जपने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति संबंधी जो बीमारियां हैं पाचन तंत्र की वो सब दूर हो जाती है, शरीर स्वस्थ, पाचन ठीक तो सब ठीक। तो ये प्रयोग थल बस्ती का चार बार करना होता है, चार बार में 100 बार हो जाएगा। गहरा श्वास लेके छोड़ दिया, ये प्रयोग किया। थल बस्ती का प्रयोग आप समझ गए। कई बार ऐसे ही कोई चीज सीखने को मिलती है तो आदमी कदर नहीं करता। कई लोग योग की क्रियाएं सिखाने की फीस लेते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, पर मैं पिछले 28 साल से आश्रम में रहता हूं पर कभी भी बापूजी कोई ऐसी क्रियाएं सिखाने की या दीक्षा देने की फीस लेते हो ऐसा कभी नहीं हुआ है।